आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का 3.3 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोल रहा है। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण को पहले हल करना पड़ता है। देखते हैं, समीकरण एक को हल करेंगे। समीकरण एक से 3x - y = 3 हो जाएगा। 3x = 3, ये माइनस वाई इधर है, इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। x = 3 + y / 3, ये समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 को हल किए हैं तो 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 9x - 3y = 9। अब x का मान मेरा आया है 3 + y / 3 - 3y = 9। अब 9 3 प्लस वाई के साथ गुना है, इसलिए हो जाएगा 9 * 3 - 3y। क्या है, 27 + 9y / 3 - 3y, इसका भिन्न घटाव करेंगे हो जाएगा 3 × 3, 27 + 9y - 3 × 3 = 9y = 9। हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कट जा रहा है, 27 = 9, ये भाग में इधर है, इधर आके गुना हो जाएगा, 27 = 27। अतः अपरिमित रूप से इस रैखिक युग्म का अनेक हल है, नहीं तो पहले लिखना इस रैखिक युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस रैखिक युग्म का अनेक हल, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।